दोस्तों, अप डाउन भाड़ा 1,60,000 रुपये, ट्रिप उत्तराखंड से छत्तीसगढ़, रुद्रपुर से यानी कि रायपुर, वहाँ से रायपुर से फिर दोबारा उत्तराखंड रुद्रपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस ट्रिप का खर्चा, भाड़ा, बचत, बॉर्डर क्या हुआ, कितना तेल आया, सब कुछ जानेंगे। तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को खर्चे के लेकर बताया गया है कि गाड़ी कहां से कहां गई और उसमें कितना खर्चा आया। 10 दिन में लगा है ट्रिप, तो 10 दिन में मोटर मालिक के लिए गाड़ी ने सब कुछ काट पीट के क्या दोस्तों बचा के जेब में रखा, तो वही इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अन्यथा इस वीडियो में कोई ब्लॉगिंग टाइप का ये वीडियो नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं गोपाल यादव स्वागत करता हूं गुरु आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल आपने देख ही लिया, तो ये वीडियो रहने वाला गुरु उस ट्रिप के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भैया झारखंड से जाने के बाद जब आपका पूरा ट्रिप लग जाए तो उसका खर्चे का वीडियो ज़रूर डाल देना। तो भाई, हम वीडियो ये खर्चे का डाल रहे हैं दोस्तों। पूरा वीडियो आप वॉच करेंगे तभी आपके समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ से जो रुद्रपुर से हमारा DOC लोड हुआ था, जो कि रायपुर के लिए लगा था गाड़ी, लेकिन रायपुर से पहले एक सिमगा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ खाली हुआ था DOC बजंता 30 टन, जिसका भाड़ा केवल 70,000 रुपये था। वहीं दोस्तों, वो हमने मुर्गी फार्म में खाली किया, जिसका ब्लॉग भी हमने आपको दिखाया था। तो 70,000 रुपये का दोस्तों वो एक भाड़ा हो गया, और दूसरा भाड़ा जो हम वहाँ से वापसी आए थे वो भी हमारा रुद्रपुर का ही माल था, और हम लाए थे गाड़ियों के जो ड्रम होते हैं, तो उन ड्रम का भाड़ा था 90,000 रुपये। अब हमने 70 और 90 को जोड़ा तो ये टोटल हुआ 1,60,000 रुपये, जिसमें हमारा खर्चा 87,546 रुपये था टोटल यहाँ तक आने का। दोस्तों, अब हमने 1,60,000 रुपये में से 87,546 को माइनस किया, वहीं 72,454 रुपये बचत के दिखाए इस समय तक। तो दोस्तों, ये जो 72,454 रुपये है, ये गाड़ी की अभी तक बचत निकल के नहीं आई है। बने रहिए वीडियो में, एक एक बात अच्छे से समझाऊंगा। तो हमने जो खर्चा किया उसमें 66,431 लीटर हमारी गाड़ी ने तेल खाया, जो कि 712 लीटर था, और जिसमें हमारी गाड़ी 2,815 किलोमीटर चली, आना और जाना अप डाउन दोनों तरफ से, जिसमें MP के बॉर्डर भी थे, जिसमें लगभग 3,500 से 4,000 रुपये तक खर्चा आता आने जाने का, मैकेनिकल भी कटता है और RTO साहब भी रहते हैं, मतलब कई सारे खर्चे थे। तो टोटल मिला के यही हमारा सब 87,546 रुपये का खर्चा हुआ था। तो दोस्तों, अब बचे 72,454 रुपये गाड़ी को ये सब खर्चा निकालने के बाद। उसमें से हमने वो डीजल अभी नहीं लगाया है जो हम यहाँ से लेके गए थे, एक टंकी फुल करा के, थोड़ा सा तेल था टंकी में, हमने लगाया ये 66,431 का तेल जो हमने रास्ते में लिया। अब हम 22,000 का तेल माइनस करते हैं 72,454 रुपये में से, तो ये बचते हैं दोस्तों 50,454 रुपये। तो दोस्तों, हमने वो टंकी लगा ली जो हम इधर से फुल करा के हमारे मालिक ने दी थी, रास्ते में जो तेल डलवाया था वो भी हमने लगा लिया, बाकी खर्चा सब हमने जोड़ ही लिया इसमें, आर्डर बार्डर पुलिस खर्चा जो भी था, रोटी वाटी का खर्चा सब इसमें, बैरियल मैकेनिकल सब टोटल लगा के ही आया था 87,546 रुपये। तो अब बचे, जब हमने तेल लगाया इधर की टंकी का, तो 50,454 रुपये। लेकिन हमारी गाड़ी की जो अभी स्थिति है इस समय, हमें लगता है कि कम से कम 22,000-23,000 रुपये का तेल अभी आ जाएगा गाड़ी में, तब उसकी टंकी फुल होगी, क्योंकि टंकी हमें फुल करानी होती है। जब यहाँ से हम फुल लेके गए तो यहाँ हमको फिर टंकी फुल करानी होगी, तभी गाड़ी की बचत लेके आएगी। तो अब 50,454 में से दोस्तों 22,000 रुपये और अभी माइनस होंगे जो यहाँ तेल आएगा गाड़ी में, और 22 नहीं तो 20 लगा लो, केवल 20 लगा लो, तो 50,454 में से 20,000 रुपये हम माइनस करेंगे जो यहाँ हम तेल डलाएंगे, तो गाड़ी को बचे भैया 30,454 रुपये। यही गाड़ी की टोटल बचत है सब कुछ काट पीट के, इतना 30,454 रुपये। दोस्तों, अभी आप लोग सोचेंगे कि 30,454 रुपये ही गाड़ी की टोटल बचत आई है, जिसमें मान लो 5,000 रुपये खर्चा और एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि रुद्रपुर से जो गाड़ी ये वाला माल लेके इधर आई है ना हमारे यहाँ तक, तो उसमें 5,000-4,000 रुपये का हमने तेल डलवाया था और उसका डाला भाला लगा के 5,000 रुपये दोस्तों इस भाड़े, इस जो हम ये वाला भाड़ा महाराष्ट्र का लेके आए हैं उसमें हमारे एक्स्ट्रा लग गए, तो 30,000 में 5,000 और प्लस कर दीजिए तो रुपये हो गए 35,000, और यही 35,000 रुपये गाड़ी को बचे, जिसमें कि हम यहाँ से 4 तारीख को गए थे
और 14 तारीख को वापस आ गए। तो 10 दिन में गाड़ी की जो टोटल बचत है वो आई 35,454 रुपये। तो दोस्तों हमारे मालिक साहब तो कह ही रहे थे भैया कि ये बचत कोई बचत नहीं है, 10 दिन में अगर 14 टायरा गाड़ी 35,000 रुपये बचा के देगी तो क्या देगी, कुछ भी नहीं है ये बचत। तो इसीलिए वो कोई माल नहीं मिला, इसलिए हम लोग रायपुर गए, वरना हमारी लाइन जो है रायपुर की नहीं है। अभी हम लोग जो है महाराष्ट्र का माल लेके आए, क्योंकि वहाँ से प्याज के भी बहुत अच्छे खासे भाड़े आ रहे हैं और अंगूर भी अब वहाँ से चालू हो गया है दोस्तों। अब देखते हैं जाने के बाद कहाँ का माल हम लोड करेंगे, अंगूर करेंगे या प्याज करेंगे। और वैसे तो दोस्तों हमारी जो लाइन है परमानेंट, हमारी जो लाइन है वो महाराष्ट्र की रहती है, उसे हम छोड़ते हैं तो हम कलकत्ता लाइन चलते हैं, अगर उसे भी छोड़ते हैं तो हम बिहार में चलते हैं। जब बिहार में धान का सीजन चालू होता है उससे पहले या उसके बाद हम कभी भी बिहार नहीं जाते गुरु, जब धान आता है उधर से बराबर तभी हम बिहार जाते हैं, वरना वहाँ भी कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों ये तो थी गाड़ी की बचत भैया 35,454 रुपये, जो कि मैंने आपको सही सिद्ध और पूरी अच्छी भाषा में समझाई है। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गई होगी, अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर यदि नए हो तो अपने ड्राइवर भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों ये तो लग गया हमारा पूरा ट्रिप रायपुर का, जिसे हम वहाँ हम नहीं जाते हैं, हमारा वो लाइन नहीं है, हमारा लाइन है परमानेंट महाराष्ट्र लाइन। तो कभी कभी उधर मद्दा आ जाता है दोस्तों, तो हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, बाकी हमें महाराष्ट्र लाइन से कोई भी लाइन अच्छी नहीं लगती है। तो अभी वहीं का महाराष्ट्र का ही माल ले कर आए हैं गुरु, और DOC ही लोड है गाड़ी में, मुर्गी दाना जो होता है, परंतु उसका भाड़ा भी अभी हमें नहीं पता चला है। सेठ से हम पूछते हैं, जब हिसाब देते हैं, अभी ये वाला माल उधर लेके जाएंगे, उधर से प्याज या टमाटर अंगूर या प्याज जो भी कुछ मिलना है गुरु वो इधर लेके आएंगे, फिर दोनों भाड़े लगाएंगे, उसका भी हम खर्चे का वीडियो आपको ज़रूर देंगे जब हमारा ट्रिप अप डाउन पूरा लग जाएगा। बाकी रास्ते का ब्लॉग भी हम आपको इसी चैनल पर दिखाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी गांव में ही थे तो इधर खेतों की तरफ आके थोड़ा आप लोगों को पूरा अच्छे से बता दिया भैया, और शाम को जो है हम लोग गाड़ी लेके यहाँ से निकलने वाले हैं सीधे महाराष्ट्र के लिए। और दोस्तों हमारी एक और जो गाड़ी है 5059 जिसका नंबर है, जिसे मैं पहले चलाता था, वो गाड़ी दोस्तों कलकत्ता के लिए लोड होके गई है। और दोस्तों इस ट्रिप में बचत थोड़ा कम आने का एक और भी कारण था, मेन रोड था जो मांडला जाने के लिए वो बंद कर दिया था, पुल वगैरह कोई टूट गया था, तो हम लोग साइड से जो घूम के गए वहाँ पूरा घाट सेक्शन रोड पड़ता है, एक दिन गाड़ी पूरे अप डाउन में चलती है, तो वहीं गाड़ी को थोड़ा गाड़ी ने एवरेज भी बिगाड़ दिया, जिसमें 5-7 हज़ार रुपये का तेल हमारी गाड़ी 8 हज़ार रुपये का फालतू भी खा गई। तो वो बचत में आ जाता है अगर रोड राड सही रहता, खुला रहता पहले वाला रोड, तो वो भी थोड़ा माइनस होगा और वो भी बच भी जाता दोस्तों, तो वो 40-42 हज़ार रुपये हो जाते, जो कि 10 दिन में कुछ भी नहीं है एक 14 टायरा गाड़ी के लिए मेरे हिसाब से। मगर जो बचा सो बचा, अब खाली खड़े रहने से तो अच्छा था वहाँ का लेके चली गई गाड़ी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है हमारी गाड़ी रुद्रपुर में 6 दिन खड़ी रही थी, जिसमें मैं गांव में रहा था, दूसरा ड्राइवर मैंने भेजा हुआ था खाली करने के लिए, मैं एकदम परेशान हो गया कि भैया गाड़ी कब लोड होके आएगी, 6-7 दिन खड़ी रही। उसके बाद में एक ही माल पकड़ में आया जो कि रायपुर का मिला, जिसका खर्चा सब कुछ बचत वगैरह मैंने आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना यही छोटा सा एक वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं गुरु, जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।